पूछो। जब तक मायरा परमिशन नहीं देगी मैं कैसे पूछूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Yes. Congratulations, guys. Oh, go on. Yeah, yeah, pictures. One photo, please. मैं केक लेके आती हूँ। ओके, आई विल गेट इट। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? कबीर अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने, रिंग सेरेमनी हुई। कबीर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम उससे प्यार करते हो और चुपचाप सब कुछ देखते रहे। सैंडी, अभी आबा का कैफे बचाना ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अग्रीड, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कबीर, जिस लड़की की अभी अंदर एंगेजमेंट हुई तुम्हारा सब कुछ थी। प्यार करते थे ना तुम उससे? अभी भी करता हूं सैंडी। मैं भी उसे खुशी देना चाहता था, एंड आई नो अक्षय, वो उसे हमेशा खुश रखेगा। ही इज अ गुड गाय। वो सिर्फ मेरे से इसलिए नफरत करता है बिकॉज ही नोज दैट आई लव मायरा, अदरवाइज ही इज अ कूल गाय। कबीर, ये कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं लिख रहे तो। तुम्हारी लाइफ की कुंडली चेंज होने जा रही है और तुम्हें इसी वक्त ये सारा गुरु ज्ञान देना है। क्या हो गया तुम्हें? वही जो तुम्हें लग रहा है, एंड एज आई सेड, I just want her to be happy. May I please have your attention, guys? Ladies and gentlemen, friends and family, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है निखिल शर्मा। As if you guys didn't know it. And I am madly in love with a girl जिसका नाम है रिया कुरिया। So sweet. I know, बहुत सारे लोगों के लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी एंगेज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का इजहार जितनी बार किया जाए कम। अक्षय और मायरा के इस एंगेजमेंट के स्पेशल ओकेजन को और स्पेशल बनाया जाए, रिया के साथ एंगेजमेंट करके एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने।
लड़की के लिए तुम मुंबई से जयपुर आए थे, वो तो किसी और की होने जा रही है। Any further plans? वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। I was just expecting the news. वैसे तुम्हारे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मतलब है। What? क्या मतलब है? मतलब कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मायरा एंगेजमेंट कर लेगी, राइट? कबीर, तुमने इनका कैफे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपनी इमेज खराब करके क्या जरूरत थी उसकी? यार, उनको एटलीस्ट बोल सकते थे एक बार, एटलीस्ट वन फोन कॉल। क्या बोल के जाता सैंडी कि तुम्हारी खुशियां बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं, मेरे ऐसा करके मैं उनकी नजरों में सिर्फ गिर जाता। क्या बोलता मैं सैंडी, जिस कैफे को बचाने के लिए आप लोग अपनी नींद खराब कर रहे हो, उसके पीछे कोई और नहीं, जिसको आपने अपना बेटा, भाई, दोस्त माना, वो उसी के और आबा, आबा को जो इतनी ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी, उसका क्या? उसका रीजन डैम जेएस, माय फादर। ऐसा करके मैं उनकी आंखों में हीरो नहीं बन जाता, सिर्फ नफरत करते मुझसे ये लोग। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सॉरी, मैं बिना बताए चला गया था, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। सुना मैंने। आंटी आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। एक्चुअली वो कबीर, आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन, इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती आज का माहौल खराब हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। एक्सक्यूज मी मिसेस कोनी, आप एटलीस्ट उसकी बात तो सुनिए। दिस इज अनफेयर। आपको पता है कबीर ने? नहीं सैंडी, इट्स ओके। आंटी सही कह रही है, ये सही वक्त नहीं है ये सब बात करने का, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, फिर कभी। क्या क्या कर रहा है? इसकी जरूरत कैसे भी, इसको तो मैं देखता हूं। क्या स्टॉप इट, आर्यन बेटा इधर आओ। नहीं अभी नहीं। अभी जाओ मामा के पास। बट मुझे तुमसे, आई नो, सवाल पूछने हैं, राइट? मैं जानता हूं तुम्हें क्या पूछना है, बट अभी नहीं। अरे आज तो खुशी का मौका है, नाच गाना तो बनता ही है,
चलिए चलिए। कबीर यहाँ पे क्यों आया था? I guess उसे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी या कुछ बातें क्लियर करनी थी। अब क्या बचा है क्लियर करने को? क्यों मिलना चाहता था वो हमसे? ये तुम्हें उससे पूछना चाहिए था ना, उससे क्यों पूछ रही हो? Okay, thank you. तुम अब भी कबीर पर भरोसा करते हो ना, और मुझ पर नहीं। पर मैं हूं तो कबीर का ही दोस्त। बट आप साउथ इंडियन हो ना? What? अभी तक मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड कोई भी नहीं रहे। और नानू बोलती है। क्या क्या बोलती है नानू? Never mind. क्या हो गया? मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। तुम जाकर अपनी मॉम के साथ डांस करो। आई हैव लॉट्स ऑफ फन। मम्मा प्लीज कम ऑन, आप मुझे मना नहीं कर सकते। बेटा प्लीज नहीं। मम्मा चलो चलो। रूढ़ी रख रही है? हाँ। मामा कितनी खुश थी ना आज? होंगी ना, उनकी सबसे लाडली बेटी की एंगेजमेंट जो थी। ओ प्लीज, वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट भी हुई आज, भूल गए क्या? उसने कुछ बताया ही नहीं। I mean, I was so surprised. यही तो उसका प्लान था। और जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। सोच मायरा, तेरी और मेरी एंगेजमेंट सेम डे पे हुई। I know, और सेम फैमिली में भी।
सलमान भी खुश थी ना, देखा नहीं कैसे डांस कर रही थी फुल ठुमका था लोग यार खुश कैसे नहीं होती, दो दो इतनी प्यारी प्यारी बहुएं जो मिल रही हैं रिया थैंक्स फॉर द इयररिंग्स मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया ना। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कबीर क्यों आया था वापस? मुझे नहीं पता, तू भी नहीं मिली ना उससे? दी आपने उसे बात की? आप मिले थे उसे आज? नहीं, बट सैंडी बता रहा था कि कबीर जैसे ही आया माँ ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। नहीं, मैं एक बात पूछूं। हाँ बोलना। आप सैंडी को हमारे कैफे में काम क्यों करने दे रहे हो? मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो। He is not a nice guy. अच्छा? और तू जो कबीर पे ट्रस्ट करके उसे घर लेके आई थी उसका क्या? What about that? वो तो अलग बात है. It's not even related. वो अलग बात है. क्योंकि उसने तुझे म्यूजिक एल्बम साइन करवाया. बट क्या हुआ उसका? कुछ नहीं ना? हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं उसके बारे में? वैसे भी एक हफ्ते के बाद कैफे तो सैंडी का ही हो जाएगा. क्या फर्क पड़ता है अगर दी उसे वहां काम कर ही दे रही है? Get it, ना? बात वो नहीं है मायरा, एक पूरा हफ्ता कैफे है हमारे पास और बुरा तो मुझे भी लगा, किसी से बिना पूछे बताए उसे काम पे रख लिया. क्यों? यही बात मैं बताने आई हूं. अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं बच्ची नहीं रही, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ वगैरह वगैरह. और तू भी सुन ले रिया, तुम दोनों ने आज तक कोई मैच्योर डिसीजन तो लिया नहीं. मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद इस घर में कबीर का नाम कोई भी नहीं लेगा और जब तक हम वो कैफे खाली नहीं कर देते, वो सैंडी फैंडी जो भी हो वो वहां पे काम नहीं करेगा. और एक बात और, आर्यन को भी समझा दे कि अगर उसे कबीर कहीं मिले तो उससे बात नहीं करेगा. और अगर ये बात तू नहीं समझा सकती तो मुझसे कह दे, मैं समझा दूंगी. कभी कभी बच्चों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है. पता नहीं कंट्रोल फ्रीक बनने का भूत सवार हो गया. दी रुको, दी जाने दो ना. मायरा, माँ बार बार मुझे ये बात क्यों रियलाइज कराती है कि मैंने गलती की है? Facing the consequences, ना? हाँ, उन्होंने मुझे और आर्यन को यहाँ पे रहने दिया, लेकिन मैं भी तो सिंगल हैंडेडली कैफे चला रही हूँ ना. ऐसे भी करके सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ना अकेले. तुम लोगों को भी ये बात रियलाइज होती होगी कि आर्यन पापा को मिस करता है. उसकी लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं है मेरा. और मुझे भी चाहिए वैसा प्यार और सपोर्ट जो सिर्फ एक पार्टनर दे सकता है. ये लूजर वाली जिंदगी जीना आसान नहीं है. नहीं आसान ये लूजर वाली जिंदगी जीना. दी, आप लूजर नहीं हो. इनफैक्ट आप हम सबको सपोर्ट कर रहे हो. आप प्लीज, ऐसे मैं लूजर हूँ. तभी मैंने अपने कैफे को अपने हाथ से जाने दिया. तभी मैंने सैंडी को अलाउ किया इस कैफे में काम करने के लिए. को जरा सा भी आइडिया है कि मुझे कैसा लगता है कि पापा के इस कैफे को मैं खो चुकी हूँ? एक काम ठीक से कर रही थी, वो भी नहीं कर पाई. How could I lose Kohli canteen? दी, आपने बहुत मेहनत की है. एकदम से हार भी नहीं मानी आपने. क्या फायदा उसका? कैफे तो हमारे हाथ से गया ना. क्या करूंगी मैं?
नौकरी करूं कहीं पे, कौन देगा मुझे नौकरी? और अगर दे भी दिया तो क्या मैं उतने पैसे कमा पाऊंगी जितने मैं कैफे से कमा रही हूँ? आर्य ने उसका फ्यूचर, उसकी एजुकेशन, इतना सब कुछ मैनेज करना कैसे करूंगी? कभी कभी सोचती हूँ मैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे सैंडी के पास ही वापस जाना पड़े, मुझे उसके पास जाके उसी कैफे में जॉब करनी पड़े। मैं बस अपने ऑप्शंस ओपन रख रही हूँ। माँ ये बात क्यों नहीं समझती है? वो सैंडी वाली ऑफर, आपको लगता है आपको उसे कंसिडर करना चाहिए था? क्या वो ऑप्शन अभी भी है? नहीं है,